subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल. सो आज मैं आपसे डिस्कस करने जाऊंगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है डिलीवरी. आफ्टर डिलीवरी आप जो गुस्सा या चिड़चिड़ापन या स्ट्रेस आप लेते हो, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करूंगी. तो उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और जिसके बारे में बहुत कम डिस्कस होता है, और जबकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो आफ्टर डिलीवरी इतना गुस्सा चिड़चिड़ापन क्यों आ जाता है आपको, जबकि उस मोमेंट का आपने इतना वेट किया होता है 9 मंथ कि कब आप अपने बेबी से मिलोगे. तो जब वो बेबी आपको मिल जाता है, उसके बाद भी आप इतने मतलब स्ट्रेस में क्यों हो, इतने गुस्से में क्यों हो, इतना चिड़चिड़ापन क्यों आता है. तो ये बहुत कॉमन बात है, इसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है. तो होता क्या है कि अब डिलीवरी इतनी टफ प्रोसेस है, ये कोई इजी प्रोसेस नहीं है किसी ह्यूमन बींग को वर्ल्ड में लाना. आपने 9 मंथ भी इतना ज्यादा सफर करते हो प्रेगनेंसी में, पता ही है कितना ज्यादा आपको प्रिकॉशन लेने होते हैं, कितनी रिस्ट्रिक्शंस रहती है. तो वो सफर करने के बाद और फिर जो डिलीवरी पेन होता है, लेबर पेन जो होता है, डिलीवरी प्रोसेस रहती है, तो उस सबको सफर करके आपकी बॉडी बहुत ज्यादा सफर करती है इस दौरान. तो उससे आपको अंदर बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, ब्लड लॉस बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से गुस्सा और चिड़चिड़ापन आना बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है. और उसके बाद चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सीजेरियन डिलीवरी, स्टिचेस तो दोनों में आते हैं. तो स्टिचेस में इतना पेन रहता है स्टार्टिंग में कि आप अपने बेबी से बॉन्ड नहीं कर पाते हो. मेरे साथ भी यही हुआ था उस टाइम, क्योंकि स्टिचेस में जब पेन स्टार्ट हुआ ना आफ्टर डिलीवरी, तो उसके बाद वो बॉन्डिंग नहीं बन पा रही थी स्टार्टिंग में बेबी के साथ. मतलब मन नहीं कर रहा था उस टाइम पे, जब खुद को इतना पेन होता है तो कुछ मन नहीं करता सच में. तो सीरियसली उस टाइम मेरा भी बिल्कुल मन नहीं किया, मतलब बेबी को मैंने देखा भी नहीं आफ्टर डिलीवरी ढंग से, क्योंकि वो पेन इतना ज्यादा हो रहा था, अपनी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा उस टाइम पे. और कुछ दिन तक वो बॉन्डिंग नहीं बन पाई, क्योंकि इसी वजह से जब तक मेरा वो पेन रहा स्टिचेस वाला. तो ये सबके साथ होता है, क्योंकि उस टाइम आपको एक तो स्टिचेस में इतना पेन हो रहा था वो भी है, और साथ में आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता, तो ब्रेस्ट फीडिंग भी इतनी इजी नहीं होती जितना हम सोचते हैं. कई कई बार सबके लिए मतलब वो स्मूथ जर्नी नहीं होती ब्रेस्ट फीडिंग में, कभी बेबी लैचिंग नहीं करता है, ठीक है, और कभी कभी मिल्क सप्लाई कम होती है, और स्टिचेस के साथ आपको बेबी को भी फीड कराना मतलब पोजीशन प्रॉपर नहीं बन पाती है. एक तो आपको स्टिचेस में पेन रहता है, फिर बेबी को हैंडल करना भी इतना टफ रहता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, पोजीशन में लाना तो वो सब भी टफ रहता है. तो उस वजह से भी आपको चिड़चिड़ापन आता है स्टार्टिंग में, ठीक है. ऊपर से आप उस टाइम पे एक मतलब बॉन्ड हो जाते हो आप, अभी तक आपको आदत नहीं होती है, एकदम से आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है न्यू बेबी की. तो सारी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मदर पे ही आती है स्टार्टिंग में, एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, और फिर बेबी को फीड भी कराना है, स्टिचेस का पेन है, तो ये सारी जो बातें होती है इसकी वजह से आपको चिड़चिड़ापन आता है. और स्टार्टिंग में अगर आपको कई बार ऐसा होता है, डिलीवरी के बाद मुझे ऐसा लगता था कि बिल्कुल सैड फील करती थी मैं कई कई टाइम, मतलब जो खुशी होनी चाहिए थी वो नहीं थी. उसके बाद मैं मतलब बिल्कुल सुनसान सा लगने लग गया जैसी मेरी डिलीवरी हुई, क्यों बेबी तो पूरे टाइम मतलब 18 आवर्स होते हैं आपको पता है स्टार्टिंग में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सोया रहता था. तो मैं बोर फील होती थी या बिल्कुल सैड सा ऐसा लगता था बस दुनिया रुक सी गई है. और प्रेगनेंसी को ज्यादा मिस करने लगी थी उस टाइम पे मैं, प्रेगनेंसी डेज को, और स्टिचेस का पेन तो हो ही रहा था उसकी वजह से. तो मैं लिटरली कई बार रोई हूं स्टार्टिंग में, एक दो बार ऐसा हो गया था कि मैं रो पड़ी थी, इतना वो पेन हो गया था. तो उस वजह से भी मेरी बॉन्डिंग बहुत टाइम बाद बन पाई. तो जब वो पेन ठीक हुआ, जब वो स्टिचेस का पेन ठीक हुआ, और ब्रेस्ट फीडिंग इशू भी मेरा बहुत रहा है पूरे टाइम, ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी मेरी बहुत अच्छी नहीं रही, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे. तो उस वजह से भी मुझे बहुत परेशानी हो रही थी, या बोलो उस वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा था मेरा, क्योंकि बेबी लैचिंग जो है वो प्रॉपर नहीं कर पा रहा था. तो इस वजह से मैं भी स्ट्रेस में इसी वजह से थी. और तो इसके बाद क्या हुआ, 1 मंथ के बाद वो स्टिचेस वाला पेन भी लगभग बिल्कुल सही हो गया था, और बेबी ने लैचिंग भी स्टार्ट कर दी थी, और फीडिंग थोड़ा सा प्रॉपर स्टार्ट कर दी थी. तो उसके बाद से मेरा जो स्ट्रेस है थोड़ा सा कम हुआ, ये चिड़चिड़ापन जो था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ, और बेबी से बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई. तो एक फेज होता है जो ये स्टार्टिंग का रहता है, इसमें सबके साथ ही होता है ये जो चिड़चिड़ापन वगैरह जो भी आता है, ये सबके साथ होता है मैक्सिमम टाइम.
तो धीरे धीरे ये अपने आप जब आप ठीक हो जाओगे, आप सब कुछ हैंडल करने लगोगे तो ये फेज भी चला जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे मैं बता दूं, जो मदरहुड है उसमें आपको पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। आगे आगे जैसे टाइम बढ़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है। एक तो आपकी नींद खराब होती है, रात रात को आपको जागना पड़ता है और प्रॉपर नींद तो आपको मिलती नहीं, आपको रेस्ट नहीं मिल पाता है प्रॉपर। मतलब हर 2 घंटे बाद बेबी फीड के लिए उठता है या 3 घंटे बाद तो उठता ही है। तो एक तो कई बार बेबी पूरी रात नहीं सोते हैं, कई बेबी ऐसे होते हैं, या लेट तो वो सोती है, तो नींद का इश्यू रहता है, स्लीपिंग इश्यू स्टार्टिंग में बेबीज में रहता है, उस वजह से आपको प्रॉपर नींद नहीं मिल पाती है। वैसे तो बोलते हैं कि जब बेबी सो जाए तो आप भी सो जाओ, पर वो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता। हर 2 घंटे में जो नींद टूटती है ना, उसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती, उससे भी आपको चिड़चिड़ा बन रहता है। तो स्टार्टिंग का फेज इसलिए बहुत टफ रहता है। और मदरहुड में तो आगे आगे थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आती रहती है, बेबी को हैंडल करना उतना आसान नहीं होता है। तो आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, पेशेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा ऐसा पॉइंट आएगा कि किसी किसी पॉइंट पे आप पेशेंस आप लूज कर दोगे, इतना ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, या बहुत ज्यादा आप रो भी पड़ोगे, ऐसे ऐसे इमोशंस आते हैं मदरहुड में। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये फेस होता है, पर आपको स्ट्रांग बनना बहुत जरूरी है इस फेस से निकलने के लिए, तभी आप निकल पाओगे। तो ठीक है, कभी ना कभी ये टाइम भी गुजर जाएगा, अभी ये टाइम है तो आप उसको फेस करो अच्छे से और स्ट्रांग बनो, मैं ये कहूंगी, और पेशेंस रखो तो ये फेस भी चला जाएगा जो अभी आपका चल रहा है, और अच्छा टाइम आएगा। तो हर मदर ये स्ट्रगल को फेस करती है, तो बस आपको पेशेंस रखना जरूरी था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप, अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप खुद को गिल्ट फील ना करें कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो या बेबी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हो, तो उसमें भी आप गिल्ट फील ना करें, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। तो बस ये कहना चाहूंगी मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन से रिलेटेड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और जो मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एंड सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन प्रेस कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।